नागपुर शहर में लॉकडाउन कर दिया है। ऐसे में शहर के सभी मंदिर और मस्जिदों के द्वार बंद कर दिए गए हैं। ऐसे में शहर के मोमिनपुरा परिसर के मुस्लिम बांधव ने शुक्रवार को नमाज अपने अपने घर में या छत पर अदा की। हमारे टीम द्वारा कुछ मुस्लिम बांधवों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शुक्रवार की नमाज सभी ने अपने अपने घरों में अदा की है और दौरान लोगों ने दूरी भी रखी कि नमाज ज़ोहर अपने अपने घरों में अदा कर लीजिए। तमाम अल्लाह से गुजारिश की जाती है कि आज नमाज जुमा नहीं होगी। मोमिनपुरा सेंट्रल नागपुर में जितनी भी मस्जिदें हैं सभी मस्जिद में पांचों वक्त की अजान हो रही है और नमाज भी हो रही है, लेकिन बाहर के जो नमाजी है और पब्लिक है उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जा रहा है। वैसे भी तहसील के जो पीआई सर हैं उनसे मुलाकात हुई, भंडारकर सब ने बोला कि आप अजान दो और नमाज में सिर्फ आपका स्टाफ रहेगा, यानी मौज़न और इमाम जो है सिर्फ और ऑफिस स्टाफ है वही लोग वहाँ पर अलाउ करेंगे। तो हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। मोमिनपुरा में जितनी भी मस्जिदें हैं कहीं भी बाहर की पब्लिक को अलाउ नहीं कर रहे हैं। आज जुमा है, जुमा के दिन भी स्ट्रिक्टली पूरे गेट्स बंद रखा है। अभी मेरी आजू बाजू जो मस्जिद है, अंसार मस्जिद है, मस्जिद अमानुल्लाह है, जामा मस्जिद, इनके मैनेजमेंट से भी बात हुआ, इनका भी ये कहना है कि हमने सुबह से अनाउंस कर दिया है कि लोग अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़ें और यहाँ के जितने मुस्लिम भाई हैं सब लोग अपने घर में ही नमाज़ पढ़ रहे हैं। बहुत सारी फैमिली में चार लोग हैं तो उनका जो घर का मुखिया होता है वो इमामत कर रहा है और उसके बच्चे उसके और उसकी फैमिली उसके पीछे नमाज़ पढ़ रहे हैं। जुमा में हम लोग देख रहे हैं ये शाहजा कॉम्प्लेक्स के पास खड़े हैं। शाहजा कॉम्प्लेक्स में हम लोगों ने भी 10-12 लोगों को, सिर्फ बिल्डिंग के लोग हैं, बाहर का कोई भी नहीं है, हमने अपनी जुमा की नमाज़ का एहतमाम किया है। जुमा की नमाज़ हम लोग यहाँ जमात से पढ़ेंगे और जो खुतबा है उसको भी शॉर्ट करेंगे। प्रिकॉशंस पूरा लिया जा रहा है यहाँ पर। देखिए आज जुमे का दिन है और जुमे के दिन हम लोगों के यहाँ जो है तो वो जुमा पढ़ना फ़र्ज होता है, लेकिन आज मुल्क के हालात के तहत और इस जो बीमारी जो देश के अंदर फैली हुई है उसके अंदर जो है तो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है कि सोशल डिस्टेंस कायम रहना चाहिए। इसलिए आज हम लोगों ने सब ने ये तय किया बिल्डिंग के रहने वालों ने कि भाई हम मस्जिदों में ना जाएं और इस बीमारी को रोकने के अंदर कुछ हम अपना तरफ से अपनी भी कुछ जो है तो कोशिश करें। इसलिए आज हम लोगों ने अपने टेरेस के ऊपर नमाज को अदा की है और सोशल डिस्टेंस कायम रखते हुए ही नमाज अदा की है, यानी कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस हमने रखा है। और इस चीज़ को जो है तो सब लोगों को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि इतना ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद में जाकर इस बीमारी को और फैलाएं, बल्कि